क्या वरुण गांधी कांग्रेस में होंगे शामिल? मां मेनका गांधी ने यह क्या कह दिया? राहुल वरुण क्या आएंगे एक साथ? जब से बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा है उसके बाद से सियासी सस्पेंस बना हुआ है। कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस ने भी वरुण गांधी को अपने साथ आने का खुला ऑफर दे दिया। वरुण गांधी भी महीनों से बीजेपी की नीतियों पर हमलावर रहे और वहीं कांग्रेस नेहरू की आइडियोलॉजी की प्रशंसा करते दिखे हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या वरुण गांधी राहुल गांधी एक साथ आ जाएंगे? और अगर एक साथ आए तो फिर क्या होगा? अब वरुण गांधी की मां मेनका गांधी ने जो कुछ कहा है, जो कुछ किया है, उसने सस्पेंस बढ़ा दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ, हम आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। क्या है मामला? भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से वरुण गांधी का टिकट काट दिया। उनकी जगह योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे, वरुण गांधी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अब इस पर उनकी मां मेनका गांधी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी से पूछा गया, क्या वरुण गांधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं? तो इस पर मेनका ने स्पष्ट कर दिया कि वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेनका से जब पूछा गया कि केदारनाथ में राहुल और वरुण की मुलाकात हुई थी, खबरें आई थी कांग्रेस वरुण को टिकट देकर चुनाव लड़ा सकती है, मेनका गांधी इस सवाल पर भी चुप्पी साधे रखी। वरुण पर कुछ भी कहने से बच रही मेनका गांधी। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट तो काट दिया, लेकिन सुल्तानपुर से मेनका गांधी को फिर से टिकट दे दिया, जिसकी वजह से वरुण गांधी भी खुलकर कुछ बोल नहीं पा रहे। फिलहाल मेनका गांधी भी वरुण को लेकर कुछ भी कहने से बच रही हैं, लेकिन उनके बयानों से अनुमान लगाया जा सकता है वरुण कुछ न कुछ जरूर करेंगे। मेनका गांधी चुप जरूर रही, लेकिन उनके कांग्रेस में शामिल होने वाली अटकलों पर विराम नहीं लगाया। राजनीति में संकेतों के जरिए अपनी बात कही जाती है। ऐसा नहीं है वरुण गांधी कांग्रेस के साथ आ जाएं तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस पहले वरुण गांधी को शामिल होने के लिए खुला ऑफर भी दे चुकी है। वरुण ने पीलीभीत से जनता को लिखी चिट्ठी। वरुण ने अपने पत्र में लिखा कि मैं राजनीति में आम आदमी की आवाज उठाने आया था और आज आपसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ, यह कार्य हमेशा करता रहूं, भले ही उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वरुण गांधी ने चिट्ठी की शुरुआत में ही लिखा, जब यह पत्र लिख रहा हूं तो अनगिनत यादों ने मुझे भावुक कर दिया। वरुण ने लिखा, मुझे वो 3 साल का छोटा सा बच्चा याद आ रहा है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर 1983 में पहली बार पीलीभीत आया था और उसे कहाँ पता था एक दिन यह धरती, उसकी कर्मभूमि और यहाँ के लोग उसका परिवार बन जाएंगे। खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ, वर्षों पीलीभीत की महान जनता की सेवा करने का मौका मिला। वरुण ने लिखा, सांसद के तौर पर मेरा कार्यकाल भले समाप्त हो रहा है, पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। सांसद के रूप में नहीं तो बेटे के तौर पर ही सही, आजीवन आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध हूँ।